के लिए हैं कि जब उसने जमीन को खल्क फरमाया तो किसी को गवाह नहीं बनाया और जब जानदारों को पैदा किया तो कोई अपना मददगार नहीं ठहरायात में कोई उसका शरीक और वहदतो इनफरादियत से मखसूस होने में कोई उसका मुआव नहीं है जबाने उसके इंतहाय सफात के बयान करने से गुंग और अकलें उसकी मारिफत की तह तक पहुंचने से आजिज हैं जाबिर सरकश उसकी हैबत के सामने झुके हुए चेहरे नकाबी खशियत ओढ़े हुए और अजमत वाले उसकी अजमत के आगे सरफकंदा हैं तो बस तेरे ही लिए हम दो सतयश है पै दर पै लगातार मुसलसलो हम और उसके रसूल सलम पर अल्लाह की अबदी रहमत और दाए मुजाविदानी सलाम हो बारहा मेरे इस दिन के इब्तदाई हिस्से को सलाह दुरुस्ती दरमियानी हिस्से को फलाओ बहबूदी और आखिरी हिस्से को कामयाबी और कामरानी से हम किनार करार दे और उस दिन से जिसका पहला हिस्सा खौफ दरमियानी हिस्सा बेताबी और आखिरी हिस्सा दर्दो अलम लिए हुए हो तुझसे पना मांगता हूँ इलाहा, हर उस नजर के लिए जो मैंने मानी हो हर उस वादे की नस्बत जो मैंने किया हो और हर उस पैमान की बाबत जो मैंने बांधा हो फिर किसी एक को भी तेरे लिए पूरा ना किया हो तुझसे अफ वख्सिश का खाहिशार हूँ और तेरे बंदों के उन हकूक जो मुझ पर आयद होते हैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तेरे बंदों में से जिस बंदे का और तेरी कनीजों में से जिस कनीज का कोई हक मुझ पर हो इस तरह के खुद उसकी जात या उसकी इज्जत या उसके माल या उसके अहलो औलाद की नस्बत मैं मुजलुमा का मृतकब हुआ हूँ या गीबत के जरिए उसकी बदगोई की हो या अपने जाति रुझान या किसी खाश या रऊनत या खुद पसंदी या रिया या असबियत से उस पर नाजायज दबाव डाला हो चाहे वो गायब या हाजिर जिंदा हो या मर गया हो और अब उसका हक अदा करना या उसे बहल कराना मेरे दस्तरस से बाहर और मेरी ताकत से बला हो तो ऐ वो जो हाजतों के बर लाने पर कादिर है ए वो हाजतें उसकी मशीयत के जेर फरमान और उसके इरादे की जानब तेजी से बढ़ती हैं मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मोहम्मद वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमाए और ऐसे शख्स को जिस तरह तू चाहे मुझसे राजी कर दे और मुझे अपने पास से रहमत अता कर बिला शुबा मगफरत से तेरे यहाँ कोई कमी नहीं होती और ना बख्श अता से तुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है अ रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले बारहा तू मुझे दुशंबे के दिन अपनी जानब से दो नेमतें मरहमत फरमा एक ये कि इस दिन के इब्तदाई हिस्से में तेरे इता के जरिए स हासिल हो और दूसरे ये कि इसके आखिरी हिस्से में तेरी मफफरत के बायस नेमत से बेहमंद हूं अ वो कि वही मबूद है और उसके अलावा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता See? So